नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से जो है वीडियो नहीं डल रहे थे, कुछ समय की व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज थोड़ा समय मिला है कि सोचा आप सभी भाइयों को एक वीडियो से अवगत करा दें, जो भाई डेयरी फार्मिंग करते हैं, पशु पालते हैं, तो उनके संदर्भ में हम आज की एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको हम दिखाएंगे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो बाह्य परजीवी होते हैं पशुओं में बहुत हो जाते हैं। जैसे इस तरह ये जो बाह्य परजीवी किलनी, जों, और ख़ासकर इस बरसात के मौसम में और जब गर्मियाँ आती हैं उस समय पशुओं में इस तरह की समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारी जो गौशाला है उसमें सभी पशुओं को ये लगभग आपको होती दिखेगी। अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है मात्रा में ये जो है इस बछड़ी को हुई हैं। इधर आप देखेंगे कि इस तरह की जो है खुजलियों से गाय की इस पर बॉडी पर इस तरह के निशान भी हो गए हैं मक्खी और मच्छरों से। तो इसी तरह से आप अगर यहाँ देखते हैं तो इस गाय का पूरा जो पैर है ये इन किलनी और जुओं से भरा पड़ा है। इस पूरी की पूरी जो है जितनी भी हमारी बछड़ियाँ हैं सभी को ये एकदम से हो गया है। अभी तक हम इसका क्या है कि देसी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो देसी ट्रीटमेंट से होता क्या है कि दोस्तों ये पूर्णतः नहीं मर पाती है। आप कितना भी देसी ट्रीटमेंट इसका कर ले, या तो आपके पास में आपकी पशुशाला में चूजे मुर्गियां होनी चाहिए, या फिर आप इसका कुछ एक अच्छा माध्यम ढूंढें जिससे कि ये किलनी जो है काफ़ी लंबे समय तक ना हो पाए। तो दोस्तों काफ़ी देसी प्रयास करने के बाद हमने एक दवाई जो है वो इसमें प्रयोग करने की सोची है, जिसके रिज़ल्ट भी हमें जो है बहुत अच्छे मिले हैं। तो हम उसका प्रयोग आपको बता देते हैं कि किस तरह से करना है और किस तरह से आप अपने जो है गौशाला में इसका छिड़काव कर अपने पशु को इन किलनी और बाह्य परजीवियों से बचा सकते हो। तो दोस्तों होता क्या है, कई बार जब आप अपने जो पशु है उसके ऊपर जब आप दवाइयाँ लगाते हैं तो पशु के शरीर से तो वो किलनियाँ जो है हट जाती है, लेकिन जो नीचे का जो फर्श होता है उसमें कहीं ना कहीं दरारें होने की वजह से ये जो बाह्य परजीवी हैं ये उसमें प्रवेश कर जाता है। तो हमें जो है जड़ तक जो है वो काम करना है, तो वो हम कैसे करें, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो मेडिसिन है उसका नाम है नुवान। ये वैसे तो डेंजरस होती है कि आप ये बाग बगीचे में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उस समय ये प्रयोग की जाती है, तो आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। लेकिन इसका अगर आपने अच्छे से प्रयोग कर दिया तो आपकी गौशाला में इस तरह के जो है ये बाह्य परजीवियों का जो है आवरण जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एक टंकी में केवल ये एक ढक्कन ही डालनी है। यदि आपके पास में पशु थोड़े कम हैं तो उसमें जो है कम में काम हो जाएगा, बट यदि आपकी गौशाला थोड़ी बड़ी है 8 से 10 पशु हैं तो आपको एक टंकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ये हम ज़्यादातर जो है देसी ही औषधियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हताश हो गए हैं सभी जगह से उसके बाद में जो है इस प्रयोग को हम कर रहे हैं, जो फर्श वगैरह में जो हमारा बाह्य परजीवी है वो ख़त्म हो जाए। तो उसका आप चाहें तो इसका अपने पशु के जो पिछले हिस्से हैं उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है इसको दोस्तों इसे जो है पानी से पूरी तरह से भर लेंगे टंकी को, उसके पश्चात अपनी गौशाला में इसका छिड़काव करेंगे। आपकी यदि पशुओं की संख्या आपकी कम है तो आप उसमें कम क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि दोस्तों आपने जो है हम जो है इस मशीन का बटन शुरू कर देंगे और अभी जो है स्प्रे इसका
प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरह से ये जो जगह आपकी गौशाला में बची है इसमें आप जो है इसका छिड़काव आसानी से करें। जहाँ भी दरारें आपकी गौशाला में या आपकी पशुशाला में पड़ी है उस पर इस तरह से छिड़काव आप करेंगे तो ये जो जूं किलनी और ये बाह्य परजीवी हैं इससे आपकी गौशाला की सुरक्षा हो पाएगी। मक्खी मच्छर सभी तरह के जो है जीव इससे मर जाते हैं और आपकी पशुशाला बिल्कुल स्वस्थ रहती है और किसी तरह का कोई आवरण जो है बाह्य परजीवी आपके पशुओं को तंग नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं जितने भी मक्खियाँ मच्छर थे सभी उड़ चुके हैं और आप अपने पशु के आगे पीछे जो है अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप इसको लगा भी सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने में नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये छिड़की है दवाई वैसे ही मक्खी मच्छर जो है भाग गए हैं या फिर मरकर गिर गए हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको अपनी पशुशाला से आप जड़ से कैसे जूं और किलनियों का सफाया कर सकते हैं। दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपका प्यार पाते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।